guys, very welcome to my YouTube channel. My name is Devia and today I'm gonna make a vlog of my summer vacation holiday. Guess what? I'm going to Guwahati for my summer vacation. I'm at Delhi airport and I'm waiting for my Air India flight towards Guwahati. I'm gonna cover all the tourist destinations of Guwahati and please be with me. Let's start. Guys, so I'm at Guwahati and यहाँ पे बहुत ही कूल वेदर है, 26 डिग्री सेल्सियस है. कंपैरिजन टू दिल्ली यहाँ पे थोड़ा सा कूल वेदर है. एंड मैं अभी जस्ट लैंड हुई हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स माय होटल. सो प्लीज बी विद मी. This is day 2 in Guwahati. मैं कल लैंड हुई थी एंड फिर हम लोग होटल आके सो गए थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी. यहाँ पे बहुत ही कूल वेदर है, बारिश कंटिन्यूअसली हो रही थी, मतलब बीच में रुकी भी थी बट मोस्टली बारिश हो रही थी. अगर आप रोड्स देखोगे तो पूरी की पूरी गीली हो रखी है यहाँ पे. तो अगर आप गुवाहाटी आते हो तो आप मेक श्योर कि आप ऐसे कपड़े लेके आओ जो कि आप बारिश में, मतलब आप लाइक कैपरी एंड शॉर्ट्स वगैरह लेके आओ क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम इस टाइम हो रखा है. अभी आप देखोगे जो टाइम चल रहा है वो मई का टाइम है, यहाँ पे बहुत जल्दी बारिश आ गया है. एंड यहाँ पे आप स्लीपर्स तो डेफिनेटली आपको लेकर ही आना है क्योंकि आप कोई भी अपने शूज लाओगे, बूट्स लाओगे या चमड़े का कुछ भी आप चप्पल लाते हो तो वो यहाँ पे खराब होने के चांसेस है क्योंकि यहाँ के रोड इस टाइम पूरी पूरी गीली है वो रखी है. तो आज डे 2 है, अभी मॉर्निंग 8 o'clock बजे हैं. तो हम लोग अभी, आप ऐसे देख सकते हो, मैं रेडी हो गई हूँ. हम लोग टेम्पल जा रहे हैं विच इज़ कामाख्या देवी टेम्पल. इट्स वेरी वेरी फेमस इन गुवाहाटी. गुवाहाटी का बहुत ही फेमस टेम्पल है ये. हमारे हिंदू धर्म में 52 शक्तिपीठ में से एक है. तो वहाँ पे हम टेम्पल जाएंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग जा रहे हैं शिलोंग. तो शिलोंग का मैं फिर आगे का ब्लॉग बनाऊंगी. तो लेट्स कम विद मी. जैसे कि मैंने बताया था मैं ये फैमिली ट्रिप पे आई हूँ तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली मेरे साथ है. तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू माय फैमिली विद यू गाइस. सो हियर इज माय ब्रदर, ही केम फ्रॉम बैंगलोर. हे व्हाट्स अप गाइस, मीट हिम. हे हाय हाय, व्हाट्स अप गाइस, हाउ इज इट गोइंग. एंड नेक्स्ट वन इज माय नीस एंड शी इज फ्रॉम दिल्ली एंड her name is Avni and his name is Rajat and we all together will make a vlog and towards the Shillong. So please be with me. She's doing really hard work guys to get the good stuff for you. And one more family member is coming and he is my big brother. His name is Rivain. He's also from Delhi and we all going towards the Mandir and after we moving towards the Shillong. So we all shoot videos towards the Shillong. So please be with me, okay? And let's please subscribe come. And please subscribe to our channel. ये लोग इतना बड़ा आ गया. Hi guys, so I reached the Kamakhya temple. As you can see behind me, this is the main entrance of the Kamakhya. So अभी यहाँ से हमें अपना जो भी आप shoes पहनते हो आपको remove करना है, अंदर आपको नंगे पैर ही जाना है. So let's come. अभी हम मंदिर के अंदर enter कर रहे हैं. माँ के नाम पे रुक जाएंगे शाम का. ये मेरी शादी है जहाँ के लिए अब हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं. I don't think कि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ होगा. तो उसके बाद हम लोग तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर हैं. इसके अंदर वीडियो खींचना, फोटोग्राफी मना है तो मैं अंदर आपको नहीं दिखा सकती. ये मेन मंदिर का एंट्रेंस है, मतलब मेन मंदिर के अंदर और इसके अंदर अलाउ नहीं है, ठीक है? तो मैं इसके अंदर आपको नहीं ले जा सकती, यहीं तक मैं आपको दिखा सकती हूँ. ओके,
my sister. She is doing vlogging since today's morning. So now we are heading to Shillong. Shillong from here 150 kilometers, and we're gonna go through cab. So we have booked the cab and cab. Yeah, options are Shillong. We're gonna explore a lot of places. In Shillong there is temple and lot of places like ghost. आप यहाँ से बस के थ्रू भी जा सकते हो, कैब भी अवेलेबल है. एंड जैसे हम लोग अभी फैमिली मेंबर्स, तो हम वी आर 11 फैमिली मेंबर्स, तो हम उस अकॉर्डिंग आप अगर हम लोग वी आर प्रेफरिंग टेम्पल ट्रैवलर एंड सम बिग गाड़ी. बट अगर आप छोटे कम फैमिली मेंबर है तो, या आप कपल हो, तो आप कैब इज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम हेयर. एंड मेक श्योर गाइस यू शुड डू at least 1 month before, because at least 2 weeks before. Yeah, because we are lot of rush at weekend. Yeah. At weekends and summers it is very rush. Make sure you should do before at least 2 weeks. Yeah, because अभी आप समझ सकते हो ये May end है and summer vacation का time है, सभी लोगों का छुट्टी हो चुका होता है, तो यहाँ पे बहुत rush है. अभी हम लोग अभी कामाख्या देवी temple गए थे, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा rush था. जैसे कि अभी आपने मेरे last video में देखा था कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे and proper दर्शन भी नहीं हो पाया, थोड़ा सा problem हुई थी. But ये है कि आप अगर summer vacation में specially जाते हो तो make sure आप पहले से अपनी booking करके रखो. एंड यहाँ पे नियर बाई ISBT भी है, जहाँ से आपको AC बसेस भी मिलती हैं जो डायरेक्टली शिलोंग ले जाती हैं. एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे भी मिलती है. बट हम लोग प्रेफर करते, बिकॉज हमारे पास लगेज बहुत है, तो हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम कैब से ही जाएं. तो हम लोगों ने अभी उबेर से आउट स्टेशन कैब बुक किया है, तो उससे हम लोग जा रहे हैं. तो गाइज अगर आप लोग आते हो तो आप प्लीज मेक श्योर आप प्री बुकिंग करके ही आएँ. Okay, so I'm going towards Shillong and I'll cover you, catch up on the way in the cab. Okay, so we are here with the driver and he will gonna tell you all the, you know, key points of the Shillong. He's local from Guwahati and he's a, you know, frequent traveler to the Shillong, and he will gonna tell you and all the things what you have to do over the Shillong and what you have to purchase from there. So okay भैया आप बताइए कि आप बताइए वहाँ पे सामने देखिए, पीछे सामने आप देखिए, मतलब रास्ते का पहले आपको जो साइट सीन है, साइट सीन में आपको पहले बड़ा पानी मिल जाएगा. बड़ा पानी का बाद आप लोग शिलोंग में देखिए लेडी हाइड्रोपार्क, इसका बाद आप लोग देखिए वाटरफॉल. शिलोंग का वाटरफॉल देखने के बाद एक है आपका आर्मी म्यूजियम है. आर्मी म्यूजियम का बाद आप लोग देखिए बहुत शिलोंग पीक. और नेक्स्ट दिन आप लोग प्लान कीजिए सेरापुंजी के लिए, उस दिन आप लोग कैब भी है शिलोंग सेरापुंजी में, सेरा कैब है. और एक है एशिया का क्लीनेस्ट प्लेस, वो है मॉलिंगडन में. अच्छा देखिए नेक्स्ट आप लोग इवनिंग या नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हैं वो डाउ के लिए. ओके वहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा आपका 65 ऐसा ही हो जाएगा सेरापुंजी से. अच्छा अच्छा, तो एक दिन में शिलोंग घूमा जा सकता है. हाँ शिलोंग घूमा जा सकता है. और नहीं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, डाउ के होके आप लोग जुआ होके आ सकते हैं. अच्छा बस बड़ा पानी में मतलब रिटर्न आने का टाइम में डायरेक्ट शिलोंग शिलोंग से मतलब गुवाहाटी आ जाइए. अच्छा ठीक है, थैंक यू. ओके थैंक यू. तो गाइस एज यू यू हैव सीन भैया ने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई, और अभी हम लोग जा रहे हैं शिलोंग. शिलोंग में हमारा 1 day का स्टे है. वी विल ट्राई टू कवर अप ऑल द प्लेसेस एंड आफ्टर दैट वी विल बी हेडिंग टू डाउकी. एंड डाउकी में जैसे भैया ने बताया लीची बहुत अच्छी है डाउकी की, सो डोंट मिस इफ यू आर गोइंग देयर, हैव सम गुड लीची एंड टेस्ट दैट. एंड डाउकी में देयर इज अ झील लेक, यू गाइस कैन डॉकी रिवर, यू कैन हैव, यू कैन एंजॉय बोटिंग देयर. एंड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑल्दो इट्स देयर इज अ मार्च, सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. सो गाइस देयर इज वन मोर थिंग, एज दिस इज नॉट द रेनी सीजन एंड दिस इज नॉट द सीजन फॉर वाटर, सो देयर माइट बी अ चांसेस दैट वाटर लेवल वुड बी डाउन and we might not get that much of water for boating, but still we'll try. So keep be with us, we will take okay, you there. See you, bye. Okay guys, enjoy the trip with us. Okay. We'll be right back.
हम लोग अभी एक यहाँ पे पॉइंट पे रुके हैं, इसको ये एक रिवर पॉइंट है, जो आप शिलोंग से जाओगे, गुवाहाटी से शिलोंग जाओगे तो आपको बीच में ये रिवर मिलती है, बहुत ही अच्छा फोटोग्राफिक पॉइंट है, आप यहाँ पे रुक के फोटोग्राफ ले सकते हो। ये कौन सी रिवर है, आप मुझे थोड़ा सा अपडेट दे दो इसके बारे में, ये क्या है? ओके, तो इस पॉइंट को कुछ कहते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट है? ओके ओके ओके, तो बोटिंग हो रही है, बोटिंग हम बोटिंग नहीं जाते। As you can see, this is a very beautiful place. ये जब आप गुवाहाटी से शिलोंग जाओगे तो आपको बीच में मिलता है ये पॉइंट, एंड एज यू कैन सी द क्राउड ऑफ दिस प्लेस। हाँ सही है, सही जगह है।